हाँ ठीक है, ओके। बाबा आपने मुझे पहले नहीं बताया कि बबड़ी का फोन सुबह से बंद था। ट्रैक करने के बाद पता लगा है कि उसका फोन लास्ट मंदिर के पास देखा गया है। हम लोग वहीं जा रहे हैं, आप लोग थोड़ी देर में आ जाइए। मैं भी चलूंगी। बहुत जल्दी में हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? ध्यान रखो वरना किसी बुजुर्ग के हाथ पैर तोड़ दोगी। सारे काम मुझे ही करने पड़े। इसको संभाल के रखिए, गिर गया था। लीजिए। ये हमारे अतुल ने बनाया हुआ आखिरी दागिना है। वो चाहता था इसे बापा की मूर्ति पर चढ़ाया जाए ताकि कल्याणी हमेशा खुश रहे। काश वो आज हमारे साथ होता। अरे किसी ने मेरी बैग काट ली, किसी ने मेरे पैसे निकाल लिए। मंदिर के अंदर पैसे चोरी हो गए मेरे। ताई अभी ज्यादा शोर मत मचाइए, यहाँ अभी पूजा शुरू होने वाली है। चलिए पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन दर्ज कराते हैं। चलिए चलिए। परमेश्वरा क्या हो गया लोगों को, चोरी करने के लिए मंदिर तक नहीं छोड़ते। अधर, अरे संभालो, संभालो। अधर, अधर। मैं संभालती हूँ इसे। सार्थक मैं सच कह रहा हूँ, मैं यूं इस तरह मल्हार के सामने नहीं आना चाहता था। पता नहीं अब क्या होगा। स्वरा मंदिर में क्या कर रही है? कल यानी तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना तो हर सोमवार को स्कूल जाने से पहले मंदिर जाया करता था और बबड़ी हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चला करती थी। कभी कभी तो चलते चलते गिर जाती थी तो मैं उसको गोद में लेके चलता था। खुद चल नहीं पाता था और उसको गोद में लेके चलता था। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ना भी मुझसे सीखा है। देखो आसावरी, मैं मल्हार से कब मिला, कैसे मिला, ये सब बताने का ये वक्त नहीं है। मैंने जितना कहा है उतना ही करो। आहिर को लेकर गणपति मंदिर पहुँच जाओ। स्वरा भी वही है, मल्हार उसे ढूंढने वहाँ गया है। आओ, लेकिन मल्हार ने उसका चेहरा देखा है और वो ये भी जानता है कि उसे चोरियां करने की आदत है। बस वो ये नहीं जानता कि वो कौन है। हाँ हाँ, तुम बस मंदिर पहुँचो, मैं भी वहाँ आ रहा। पंडित जी ये लीजिए, ये हार हमारे स्वर्गवासी बेटे ने बनवाया था। वो चाहता था कि ये हार बापा की मूर्ति पर चढ़ाया जाए। कल्याणी मैं उससे कहूंगा क्या? और वो मुझे पहचानेगी कैसे? मैंने तो उसे देखा भी नहीं और वो मुझे कैसे पहचानेगी? उसने भी तो मुझे नहीं देखा है। मतलब पता कैसे लगेगा कौन कौन है? और मल्हार जी रिलैक्स। मल्हार जी आप मल्हार जी हो, आप कल्याणी की तरह ऐसे इमैच्योर कैसे बिहेव कर सकते हैं? वो भी है। मल्हार जी सब ठीक होगा। और आपको पता है मैं भी ना स्वरा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब चलिए, आप चलिए स्वरा से मिला है ना, चलिए। कल्याणी लेकिन मैं, अरे आप पहचान लेंगे उसे, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपकी बहन है, आप पक्का उसे पहचान लेंगे। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगत
किसे कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे, जय देव जय देव। जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। क्या बताऊं दादा, आई भी बीमार है, ऊपर से बाबा वो भी दारू की लत में है। उस लड़की ने पुलिस की पॉकेट मार ली। हमारी एक ही बेटी है और उसका नाम स्वरा है। हमारी बेटी को चोरी करने की आदत है। उसका नाम स्वरा है। बच्चों को परमेश्वरा वासव रे बाबा। त्वरा साहब, माफी चाहता हूं। बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरी बेटी है स्वरा। ये है तेरा बड़ा भाई मल्लार दादा। जब भी बचपन में तू कोई हरकत किया करती थी तो यही भाई तुझे तेरी आई से बचाता था। आज इतने सालों बाद तुझसे मिलने आया था और आज तूने सब लोगों के सामने उसका सर शर्म से झुका दिया। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी
सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी। दादा मेरा छोड़ दो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तुझसे प्यार भी करती है और देख आई ने आज तेरे लिए गर्मा गर्म दाल चावल भी बनाया है। हर दिन थी कहानी मेरी, मेरी प्यारी बबली। बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। बाबरी पहचाना मुझे? मैं तेरा दादा। मर जाओ, कितनी बड़ी हो गई है तू और सुंदर भी, पहचाना ना मुझे? बबड़ी पहचाना ना मुझे तूने? मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। स्वरा, स्वरा ये क्या तरीका हुआ? क्यों कर रही हो ऐसा? स्वरा मल्हार जी तुम्हारे दादा हैं। इतने सालों बाद मिल रही हो तुम मुझसे, तो तुम्हारे दिल को जरा भी खुशी नहीं फील हो रही है? मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली तुम होती कौन हो? स्वरा, रमेश से बात करो, वही नहीं हो तुम्हारी। कौन दादा, कौन वही नहीं? हटो मेरे रास्ते से। सरू, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? ये तेरा भाई है जो बचपन में तुझसे बिछड़ गया था। शंभर टक्के ये तुझसे बहुत प्यार करता है। देखना तुझे देखकर कितना खुश हो गया। पत्नी है ना अब बाप जी की, ये उपदेश अगर देना है ना तो उन्हें दीजिए। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? कि क्या बबड़ी 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 लगा के रखा है? हर मुजरिम से ऐसी बात करते हो क्या? नहीं देख सुरा, चोरी की है मैंने तो गिरफ्तार करो मुझे। पुलिस वाले हो ना तो पुलिस वाले का काम करो। अब ऐसे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? गिरफ्तार करो। क्या सोच रहे हो मल्हार? अपना फर्ज पूरा करो, गिरफ्तार करो इसे। अफसर, क्या गलत कह रहे हैं हम? हाँ साहब, स्वरा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा है कुछ भी नहीं करेगी। क्या तमाशा लगा रखा है आप सबने? जब मैं बोल रही हूँ मुझे गिरफ्तार करो तो गिरफ्तार करते क्यों नहीं हो? सबके सब बस बातें बनाए जा रहे हैं। सरू बस कर बेटा, और कितना शर्मिंदा करोगी अपने भाई को? मल्हार बेटा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप क्यों हाथ छोड़ रही हैं माई?
किसी माँ को अपने बच्चे के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। और छोटी बहन है मेरी, उसकी गलतियों की जिम्मेदारी मेरा फर्ज है। हो गया तमाशा खत्म, चलें। ये मुझे गिरफ्तार तो कर नहीं रहे। हाँ चलोगी तुम घर, लेकिन उस घर में जो मल्हार जी का है, तुम्हारे दादा का है। हट जाओ मेरे रास्ते से। स्वरा देखो प्लीज, स्वरा एक बार मेरी बात शांत मन से सोच के देखो। तुम मल्हार जी से इतने सालों बाद मिली हो, तुम उनके साथ घर पे आओगी, उनके साथ वक्त बिताओगी तो कितना अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ मेरा भी यही फैसला है, हम सबको मल्हार के घर चलना चाहिए। स्वरूप अब बस कर बेटा, कोई बहस नहीं, हम लोगों की बात मान ले। हाथ जोड़ती हूँ तेरे। बाबा मैं तो कहता हूँ कि आज के लिए नहीं, आप लोग हमेशा के लिए मेरे घर चलिए। लेकिन बेटा। नहीं बाबा मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैंने कह दिया ना, इतने सालों बाद मेरी फैमिली पूरी हुई है। एक काम करते हैं बाबा, यहाँ से आपके घर जाते हैं, सामान उठाते हैं और सीधा मेरे घर चलते हैं। आई माँ जी आई, ये हमारा घर है। तुम मुझे सासू माँ बुलाया करो, अब मैं पराई थोड़ी ना हूँ, रिश्ता तो तुम जान ही चुकी हो। पर ऑनेस्टली बोलूं, सासू भाई ना बहुत ओल्ड फैशन लगता है। मैं आपको ना एसबी, सासू भाई का शॉर्ट फॉर्म एसबी, क्या मैं आपको प्यार से एसबी बुला सकती हूँ? तो एसबी आइए ना हमारे घर के अंदर, और मल्हार जी बाकी सबका सामान लेके आते ही होंगे थोड़ी देर में। ये दादा को शादी करने के लिए आधी उम्र की लड़की मिली। आधी उम्र? आधी उम्र नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं आधी उम्र की होती तो मैं नाबालिग होती, लेकिन मैं तो बिल्कुल बालिग हूँ। यकीन नहीं होता मेरी बातों पे? तो फिर आओ अंदर, मैं तुम्हें अपना आईडी दिखाती हूँ, लेकिन देखने के लिए तुम्हें अंदर तो आना पड़ेगा ना। तो चलो बाबा अंदर चलो। अरे मैंने आपको अपनी आई से नहीं मिलवाया ना, ये है मेरी आई और वो है मेरी आजी। ये कल्याणी की आई? नमस्कार, माफ कीजिए मंदिर में आपसे बात नहीं हो पाई। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मैं बिल्कुल आप जैसी है। हाँ अब चलिए ना अंदर चलिए। अरे माता रे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्वरा ऐसे मत कहो, आजी है वो मेरी, और सिर्फ इस वाड़े में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बहुत सम्मान किया जाता है इनका, और इज्जत और सम्मान से इन्हें आउटसाइड बुलाया जाता है। इस चोरनी के साथ अब हमें घर में रहना पड़ेगा। स्वरा देखो अब प्लीज, उनकी बात का बुरा मत मानो। हाँ उनकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, और वैसे भी मेरी आई ने मुझे सिखाया है कि बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, तुम भी मत मानो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो, कभी लड़की देखी नहीं क्या? स्वरा वो आई, ये आंटी मुझे क्यों डांट रही है? ये क्या नाटक है? सब समझ में आ जाएगा, पर प्लीज स्वरा और एसपी आप ऐसे बाहर मत खड़े रहिए ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग घर के अंदर आए, तो चलिए ना प्लीज जल्दी। चला चल आई, चलो ना इन्हें लेके, चलो अथर, चलो चलो ना, चलो अथर। कितना अजीब घर है ये। तो पागल बच्चा, फिर से बालिका वधू, और एक खड़ूस मातारी कम थी जो बीच में ये दीवार खड़ी कर दी। बस कर, बहुत हो गया, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अब इसमें स्वरा देखिए, मुझे पता है आप दोनों को ये सब बहुत वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन
धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पल्लवी, ध्यान से देखो इस लड़की को। अरे ये लड़की मल्हार की बहन है, चोर है ये चोर। आज के बाद अपना कीमती सामान ना ताला लगाकर बंद करके रखना। क्या कहा आपने? सौरभ, सौरभ, सौरभ। अगर मुझे चोरी करनी होगी ना तो ताला चाबी भी नहीं रोक पाएंगे, समझे? सौरभ, मेरे मामले से ना दूरी रहा करो तुम। सौरभ,